तत्कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तीर्थक्षेत्र लाइफ माध्यम रे आपण माने श्रवण करुछंती आचार्य मानंक जीवन दर्शन आचार्य मानंकर महिमा कीर्तन। मु पंडित दयानिधि पंडा तीर्थक्षेत्र लाइफ माध्यम रे समस्तंकु स्वागत जनाउछि। आचार्य मानंकर जीवनी लीला ओ तथ्य उपदेश को नहीं ए स्वतंत्र ए अनन्य कार्यक्रम आचार्यंकर महिमा कीर्तन। पूर्वरु आपण माने श्रवण करिथिले आचार्य मानंकर जीवन रहस्य उपरे एहिपरि गोटी गोटी करी आमे समस्त वैदिक आचार्य साधु संत मुनि ऋषिंकर कथा श्रवण कराइबु ए तीर्थक्षेत्र लाइफ माध्यम रे। आज आमे जने महान ऋषि महान प्रवर्तक मनु महर्षिंक उपरे श्रवण करिबा। मनु महर्षि किए मनु ऋषि जहांकर नाम अनुसारे जे कि जहाँ कि प्रजापति मनु कहा जाए स्वयंभव मनु गोटे मनु जहाँ कि गोटे जुग रे जने मनु चेंज हुवंती बदलती चतुर्दश मनु मध्ये प्रजापति मनुंकर संस्पर्शरे तांका संपर्करे आमे आज श्रवण करिबा प्रजापति मनु जहार मनु संहिता जे कि प्रणेता करिथिले मनु संहिता। मनु भारत वर्षर हेउछंती सर्वश्रेष्ठ प्रातस्मरणीय महापुरुष। वेदरे मनु को अखिल मानव जातिर पिता भावरे ग्रहण करा जायछि। जदि आमर पिता किए होंती ए मानव जातिर पिता हेउछंती मनु तांक ठारु सृष्टि सब आरंभ से जगतर पिता भाव आख्यान होती। संसार प्रथम यज्ञकर्ता थिले मनु महर्षि। मनु हेउछंती मनु वशिष्ठंक ठारु ए ब्रह्म विद्या को ग्रहण करिथिले जहार फलरे वशिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होइथिले। तेणु मनु जे कि प्रथम वशिष्ठ को से शिक्षा प्रदान करिथिले जैकि जो शिक्षा बल ब्रह्म विद्या को वशिष्ठ ऋषि ताको पालन करी ब्रह्मनिष्ठ हो जाइथिले। तेणु ये जेते जेतिक संहिताकार अछन्ति ए मनु संहिता तन्मध्यरु जे कि सर्वश्रेष्ठ संहिता जहाँकि नियम गुड़िक
प्रणाली गुड़िक मानव जीवन रे जहा दिग्दर्शन ताहा मनुंक द्वारा प्रणीत होइछि जहार को आमे दीति शास्त्र भाव ग्रहण करुछे जहाँ को स्मृति शास्त्र भाव ग्रहण करुछे से महान ग्रंथ हेउछि मनु संहिता। एथिरे वेदर जो मनु संहिता रे बारटी अध्याय रहिछि 2500 रु ऊर्ध मंत्र रहिछि श्लोक रहिछि जहाँ कि सत्य युगरु धर्म व्यक्त हो रही। सुप्रसिद्ध ए महान ग्रंथ समस्त शास्त्रर मंजी अर्थात मूल कहिले अत्युक्ति हेब नाही। समस्त उपनिषद समस्त ज्ञान ए मनुस्मृति रे पूरित हो रही। तांक दृष्टि रे जीवन रे सामाजिक नैतिक एवं राजनीतिक दृष्टि को लक्ष्य करी ए शास्त्र रे समस्त विषय वर्णन रहिछि। जीवन रे चाली चलन ए सामाजिक प्रथा ओ नैतिकता ओ राजनीति क्षेत्र रे जहाँ चलनी रहिछि ताहार सब नियमावली ए मनुस्मृति रे लिपिबद्ध होइछि। ए मनुष्यंकर सृष्टि कालरु ब्रह्मांकर जे के मानस पुत्र ब्रह्मांकर मानस पुत्र भावरे प्रजापति मनुंकु ग्रहण करा जायछि तांकर दायाद मनुंक द्वारा प्रचारित होइथिबारु तेणु समस्त हिंदू जाति समस्त मानव जाति तांकु पिता भावरे ग्रहण करिछन्ति। कौनसी प्राच्य गिरिशृंगर सृष्टिर आरंभरु पूर्वठारु दक्षिण पर्यंत पूर्वठारु पश्चिम घाट पर्यंत एवं उत्तररु दक्षिण पर्यंत जहांकर कीर्ति गंगार ज्वार भली जहांकर शास्त्रर अध्ययन गंगार ज्वार भली सृष्टि होइछि से शास्त्र हेउछि मनुस्मृति जहाँ वेद अन्य नाम हेउछि श्रुति। तेणु वेदर ए मनुस्मृति हेउछि एक अविस्मरणीय अंग। मनुसंहिता रे जो उपदेश गुड़िक दिया जाइछि ताहा ए मानव जाति पाई ए समाज पाई एक प्रणिधान योग्य जहाँ नियमावली समस्तंकर पालन करिबा उचित। ए शास्त्र रे परमायु विद्या बुद्धि धन जस रूप और आरोग्य आदि समस्त गुणावती कार्यगुड़िक ए शास्त्र रे वर्णित रहिछि। ए शास्त्र रो मुख्य कथा कहिबा को गले जदि आध्यात्मिक मार्ग रे प्रथमे धर्म को अर्जन करुछे से धर्म रु धन संचित होई थाए। मनुंकर मतरे शत्रु जय करे ओ धन्य हुए निजर भल देखे शेषे पुणी समूले विनाश हो जाए किपरि ना अधर्म ओ अन्याय रे जदि अर्जन करिथिबा धन को जदि सत मार्ग रे परिचालित न करुछे ताले संपूर्ण रूपे विनाश घटि थाए। तांको मतरे सदा सर्वदा सत्य निष्ठ हेबा उचित। ए दर्शन रे स्मृति शास्त्र रे कहा जायछि सत्य निष्ठ हो सदा सर्वदा अन्य को सत्य कह एवं प्रिय कह मात्र
अप्रिय सत्य कहिव नाही। मिछ कथा कही जदि खुशामत करुछ ताले से खुशामती भाव को त्याग करिव। ए हेउछि सनातनर धर्म। सनातनर जो धर्म हेउछि कहा बाखरे आमे मुंड बिकिबा नाही। ए सब नियम मनु महर्षिंक द्वारा मनुश्रुति रे वर्णित रहिछि। जदि जने क्रोध करुछि नास्तिक अछि एवं विभिन्न आलस्य परायण रहिछि एमानंकु तांकर दंड विधान रहिछि। जहा कि मनुंकु आमे ल जो कि नियमर प्रणेता कहिले चले। तेणु जो आज आज लोक मैंने जो ओकिलाती करुछंती सी होछंती मुख्य पुरोधा। तेणु मनुंकर नीति को पालन करिबा उचित। मनुंकर जो उपदेश रहिछि मनुस्मृति रे समस्त ल को रखा जाइछि। समस्त नियमावली को तांका शास्त्र रे से एकजुट करी रखिछंती। जेउं परिवार रे नारी मानंकर मध्यरे साम्यक समादर अछि सेठारे देवता प्रसन्न हुवंती। जेउं परिवार रे नारी मानंको सम्मान दिया जाउ नाही से परिवार शीघ्र नष्ट हो जाए। एहा मध्य तांकर मनुस्मृति रे से आलोकपात करिछंती। जेउं परिवार मानंकर मध्यरे सुख ओ बंधुमान सहित सुसंपर्क रही से परिवार सर्वदा श्रीवृद्धि हुए। तेणु नारी जाति को सम्मान देवा उपरे तांकर जो नियमावली गुड़िक रही स्मृति शास्त्र रे आज सर्वश्रेष्ठ कृति भाव रे तांकर शास्त्र को मान्यता दिया जाइछि। जेउं गृहरे जदि स्वामी स्त्री मध्यरे संतुष्टि भाव रहिछि से गृह रे स्त्री वृद्धि हुए लक्ष्मी प्राप्ति हुए। एक कथा मध्य तांकर ए मनुस्मृति रे वर्णना करिछन्ति। जीविका अर्जन करिबा पई यदि अत्यंत कष्ट होउछि ताहाले मध्य सत पथ को ग्रहण करिब असत मार्ग को ग्रहण कर नाही। ए जो तांकर नियम जेते कष्ट हेउ किंतु सत मार्ग रे धन उपार्जन कले ताहा हमको प्राप्ति होइथाय। असत मार्ग रे यदि धन वृद्धि हुए ताहा पई दंडर विधान रहिछि। ताहा पाप बेली मनु महर्षि मनु ऋषि तांकर स्मृति शास्त्र मनु संहिता रे वर्णना करिछंति। सबठू बड़ कथा हला यदि माता पिता भाई भौणी स्त्री कन्या पुत्र ओ पुत्रवधु एमानंकर संगरे गोपनीय कथा ओ केबे विवाद कथा कहिबा अनुचित। ए होचि तांकर जो नियम रे प्रणति करिछंती जो नियम को प्रचलन करिछंती एमानक सहित केबे विरोधाभास हेबा उचित नुहे। तेणु ए विवाद जेतेबेले देखा दिए परिवार को ताहा ध्वंस विध्वंस करि दैथाय। तांकर नियम को लक्ष्य रखी आचार्य चाणक्य विदुर नीति ए सब मध्य तांकर जो सांख्य योग अद्वैत योग को समस्ते ग्रहण करिछंती। तेणु महर्षि जाकि प्रजापति मनु को समस्तंक पिता भावरे समस्ते ग्रहण करिछंती।
पिता सदा सर्वदा पिलामानंकर मंगल चाहती और तांकर दंड देवार अधिकार मध्य रही से सबको लक्ष्य करी तांकर ए नियमावली मनुस्मृति रे सामाजिक जीवन चालीचलनी एवं राजनीति क्षेत्र रे तार सुधार ए सबू तांकर पुस्तक रचित काव्य रे ए मनुस्मृति रे सबु विस्तार भाव रे वर्णित होई तेणु जदि आमे तांकर सब विभिन्न नियम सब रही स्मृति शास्त्र रे से को आलोचना कले बहुत समय लगे तेणु कहिबाकु गले महर्षि मनु हेउछंती समस्तंकर पितामह समस्तंकर पिता जैक से अनुसार ब्रह्मांकर मानस पुत्र जैक ब्रह्मा हेउछंती जगतर पिता सृष्टिकर्ता तांकर मानस पुत्र भावरे प्रजापति मनु ए संसार को सृष्टि करिछंती तांकर ठारु ए मानव जातिर सृष्टि सकाळे तांकर आयु एक नियम रहिछि सकाळे किंबा मध्यान रे गरिष्ठ सकाळे किंबा संध्या रे गरिष्ठ भोजन ग्रहण करिवे नाही कारण एहा शरीर को क्षीण करिथाय अर्जन कराई थाए जहाँ फल आम शरीर विभिन्न रोग वृद्धि होता तो है मनुस्मृति में वर्णित होता विभिन्न नियम गुड़िक तेणु सर्वोपरि कह गले ये आचार्य होती प्रथम आचार्य जे कि ब्रह्मांकर मानस पुत्र एवं मानव जातिर पिता ए संसार को सृष्टि करिथिबारु प्रजापति मनोभाव रे समग्र विश्व रे आज प्रशंसनीय तेणु तांकर गुण तांकर महिमा तांकर कीर्ति समस्त आध्यात्मिक शक्ति एवं तांकर जो आध्यात्मिक जोग बल को ए मनुस्मृति रे से समाहित करिछंति ए मनुस्मृति ए संसार को ए जगत को एक दृष्टांत जार नियम को आमे पालन कले मानव जीवन समस्त सुख शांति प्राप्ति होइथि तेणु आमे विभिन्न आचार्य मानक मध्य जो आलोचना करुचे ए महर्षि मनुतन मध्यरु जणे जहाँ चरित्र को जहाँ गुणावली को जहाँ तथ्य दर्शन एवं बाणी को आमे श्रवण करी आज मुख्य प्राप्ति होचे तेणु तांको आमे चिरस्मरणीय भाव में ग्रहण करुचे ग्रहण करिबा उचित ए आचार्य मानकर बाणी ओ तांकर षड्दर्शन ओ न्यायपूर्ण कथा जहाँकि न्याय मनु महर्षिंकर जो रही न्याय दर्शन कहापे क्यों न्याय टी ठीक हेब ताहा संपूर्ण रूपे ए श्रुति रे ए मनुस्मृति रे वर्णना करिछंती एहिपरि आचार्य मानकर कथा आमे गोटिए परे गोटिए श्रवण कराइबा ए तीर्थ क्षेत्र लाइफ माध्यम रे यहार अन्य जो आचार्य मानक कथा कहिबा अन्य अध्याय रे आपण माने श्रवण करिवे आचार्य मानकर दर्शन लीला ओ महिमा को आमे गोटिए गोटिए अध्याय माध्यम रे समस्त को श्रवण कराइबु मु दयानिधि पंडा
समस्त स्वागत जनाऊँ नमस्कार। आगामी अध्याय आपण माने श्रवण करिवे अन्य आचार्य मानकर जीवन दर्शन को नहीं आचार्य महिमा कीर्तन रहुची। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।